बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सऊद। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक और वीडियो लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 7.1 एक्सरसाइज पेज नंबर 245 पर क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे आज, ठीक है, इसका सोल्यूशन। अच्छा सबसे पहले बेटा मैं सवाल पढ़ के आपको डायग्राम समझाऊंगा, डायग्राम के बाद फिर हम इसकी प्रॉपर सॉल्यूशन की जानिब जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़ रहा हूं, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, सर्किल की इक्वेशन मालूम करें व्हिच पासेस थ्रू द टू पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स पास से पास कर रहा है a, 0 -a, 0 एंड हूज रेडियस, जिसका रेडियस उसने निकाल के दे दिया है, इज अंडर रूट a² + b², ठीक। आइए डायग्राम की जानिब चलते हैं। स्टूडेंट्स सबसे अहम बात ऑब्जर्व करने की ये है कि इसमें उसने ऐसे सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा है जो दो पॉइंट से पास कर रहे हैं, एक a, 0 एक -a, 0। अच्छा और कोई जिक्र नहीं किया। अब आप खुद इमेजिन करें कि a, 0 जो है और -a, 0 ये दोनों पॉइंट कहां पे लाए करेंगे, ये एक्स एक्सिस पर लाए करेंगे। देखे यहां पे ये सर्किल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से यहां से लेके यहां तक फास्टर जो है डिस्टेंस a होगा, जब भी तो वो पॉइंट मिल रहा है हमें a, 0, क्योंकि x पर y कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। और उसने दूसरा पॉइंट क्या दिया, -a, 0। -a जो है जाहिर सी बात है x नेगेटिव x एक्सिस पे लाया कर रहा है, तो जितना डिस्टेंस पॉजिटिव में होगा उतने डिस्टेंस कितना होगा, नेगेटिव में होगा। तो यहां पर मैं b पॉइंट सपोज कर लूंगा -a, 0। अब डेफिनेटली से बात है कि ये a और माइनस a ये ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस फासले पे होंगे, तो जब इक्वी डिस्टेंस फासले पे होंगे तो यहां पर जो सर्किल का सेंटर मिलेगा वो y एक्सिस पे मिलेगा मुझे, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -g और -f है, मगर y एक्सिस पर लाए होने की वजह से सेंटर का एक कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब ही c 0, -f हो जाएगा, और उसने रेडियस भी पहले से निकाल के दे दिया, रेडियस की कीमत क्या है, r = √a² + b² है। तो ये तकरीबन सवाल वही बन गया है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 13 में डिस्कस किया था। अच्छा अब जरा देखिए बेटा, आपको ये बात मालूम है कि जब सेंटर y एक्सिस पर मौजूद होगा तो उसकी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहां देखिएगा, एज वी नो दैट, हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल Having center lies मौजूद है on y-axis। अब center क्या है? 0, -f is। तो यहाँ पे x क्या होगा? Absent होगा। तो equation क्या होगी? x² + y² + 2fy + c = 0 equation number 1 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? सिर्फ f और c की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कैसे को? इसको कंडीशन के तहत हम मालूम कर लेंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे, According to given condition, equation number 1 passes through, ये equation number 1 कहां से पास कर रही है, ये point A ले लीजिए, a, 0, x की कीमत a हो गई, y की कीमत 0 हो गई, equation number 1 में put करके simplify कर लें, तो देखिए 1 is implies that क्या होगा, a का square होगा plus 0 का square होगा plus का 2f और y की जगह 0 आएगा plus c = 0। देखें ये चीज तो पूरी 0 हो गई बेटा, खत्म हो गई, क्या बचेगा, a² बचेगा plus c बचेगा = 0। यहां से वैल्यू निकालें c की, c की वैल्यू आएगी माइनस का a² बाकी रह रही। अब f की वैल्यू चाहिए, f के लिए हम रेडियस की कंडीशन इस्तेमाल कर लेंगे। अब रेडियस की कंडीशन कैसे इस्तेमाल कर दें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन r बराबर है अंडर रूट क्या होता है, g² + f² - c का होता है, मगर रेडियस किसके बराबर गिवन है, ये पुट कर दीजिए इधर, अंडर रूट a² + b² = अंडर रूट, g तो क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस f मालूम है ना f² और c की वैल्यू ऑलरेडी क्या माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का a² लिखूंगा मैं यहां पे। फर्दर मोर क्या हो जाएगा, अंडर रूट a² + b² हो गया = अंडर रूट
एफ स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे ही हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसका मैं सोल्यूशन यहां पे कर रहा हूं, इधर देखिए जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके रूट खत्म कर दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचा प्लस का बी स्क्वायर बचा इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा एफ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर शिफ्ट करेंगे स्क्वायर रूट बनेगा और प्लस माइनस साइन आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और एफ की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस बी। अब देखिए जरा एफ की वैल्यू भी आ गई है सी की वैल्यू भी आ गई, इन दोनों वैल्यूज को हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर वन में, और रिक्वायर्ड इक्वेशन सर्किल आ जाएगी। तो हम यहां लिखते हैं जुमला, पुट द वैल्यूज ऑफ एफ एंड सी इन इक्वेशन नंबर वन। Now one is implies that x square plus का y square, अब देखिए plus का 2fy, f की जगह मैं plus minus b करूंगा तो ये multiply होकर plus sign के साथ plus minus होएगा और क्या हो जाएगा 2by, और c की value क्या है minus a square, तो आप लिखोगे minus का a square is equal to zero। तो जनाब ये आपके पास required equation of circle आ गई और यही आपको मालूम करना था, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। कॉपी कर ले बेटा इसको। तो बेटा इसके साथ ही आज का हम वीडियो लेक्चर इख्तिताम पजीर करते हैं। इंशाल्लाह ताला नए वीडियो लेक्चर में हम नए सवाल लेके हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।